तो दोस्तों आज हम करेंगे पूरी बॉडी के लिए वर्कआउट। आप वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, डंबल यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये वाला वर्कआउट बिगनर्स के लिए है, औरतों के लिए है, या फिर जो लोग जिम नहीं जा पाते उनके लिए है, या फिर थोड़े ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले वार्म अप करने के बाद हम लोअर बॉडी के लिए स्क्वाट्स करेंगे, फ्री वेट स्क्वाट्स। पहले आपने 2-3 मिनट के लिए वार्म अप करना है, तो उसके बाद स्क्वैट करने हैं, सिंपल स्क्वैट। आप 15-15 रेपिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम होल्ड करके डंबल या फिर ब्रिक्स या फिर वाटर बॉटल अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। स्क्वैट का पहला सेट करना हमने। ये जो एक्सरसाइजेस हैं आप ऐसे मेरे साथ ही कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो हर एक एक्सरसाइज के आपने 3-3 सेट करने हैं और 15-20 रेपिटेशन करने हैं। मतलब जैसे ये सिटअप्स कर रहा हूँ मैं डंबल के साथ, इसको रेस्ट करने के बाद आपने फिर दोबारा करना है, सेम सेट 3 करने हैं। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट है तो आप ऐसे ही मेरे साथ करिए। पहला सेट हमने कर लिया है स्क्वाट का, फिर आपने रेस्ट करनी है। रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट सेट हम लंजेस करेंगे। ये भी लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। आप हाथ में डंबल पकड़ सकते हैं, बिना डंबल्स के कर सकते हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंटें के साथ कर सकते हैं, पानी की भरी हुई बोतलों के साथ कर सकते हैं अगर आपके पास डंबल्स वगैरह नहीं है। तो इसके भी आपने 15 रेपिटेशन करने हैं। एक तरफ से करने के बाद आपने दूसरी तरफ से भी सेम एक्सरसाइज करनी है। मेरे से ये मिस हो गई एक एक्सरसाइज, तो आपने दूसरी तरफ से भी करनी है। रेस्ट करने के बाद फिर हम करेंगे स्क्वैट। स्क्वैट करेंगे डेड लिफ्ट करेंगे, सॉरी, लेग्स को बाइट करके डेड लिफ्ट। ये वाली एक्सरसाइज भी आप सेम ऐसी तरह करिए। तो आप 15 से लेकर 20 तक रेपिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का यही प्रॉब्लम होता है कि जिम जाने का टाइम नहीं है, जैसे हाउस वाइफ होती हैं, या फिर कई लोग हॉस्टल में रहते हैं, या फिर बिगनर्स होते हैं, जिम जाने से थोड़े हेजिटेट करते हैं। तो ये फुल बॉडी वर्कआउट जनरल फिटनेस के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी है। फिर हम लोअर बॉडी के लिए करेंगे, लोअर बैक के लिए। लोअर बैक के लिए ये सेट बहुत ही अच्छा है, फॉरवर्ड बैंड है इसको कहते। तो इसके भी आपने 15 रेपिटेशन करने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 3-3 आप सेट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही 10 मिनट में आपकी कंप्लीट बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। बस आपके जो एब्स हैं उसका वर्कआउट रहेगा, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। फिर आपने मोमेंटो पर रो करनी है डंबल के साथ। ये भी आपकी वी शेप के लिए एक्सरसाइज है, बैक के लिए एक्सरसाइज है। तो इसके भी आपने 15-20 रेपिटेशन करने हैं। अगर आप थक रहे हैं तो इन बिटवीन द सेट आप रेस्ट करके लगा सकते हैं, वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं। फिर रेस्ट करनी है। रेस्ट में भी आप अब थोड़ी सी बॉडी मूव करिए क्योंकि आपकी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट सेट करेंगे वन हैंड के साथ रोइंग। देखिए इसमें कोई भी आपके ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं यूज़ हो रहे हैं। आप ईंटों के साथ, ब्रिक्स के साथ कर सकते हैं, वाटर बॉटल पानी की बोतलों के साथ कर सकते हैं, फ्री वेट भी कर सकते हैं। मतलब कि जो मूवमेंट्स हैं बिना कुछ होल्ड किए सेम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है हाउसवाइफ्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, हॉस्टलर के लिए। बहुत सारी लड़कियां या लड़के जो हॉस्टल में रहते हैं उनके पास जिम जाने का टाइम नहीं होता। आप जनरल फिटनेस के लिए अपने रूम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कोई भी इसको कर सकता है क्योंकि आपकी फिर डाइट उस अकॉर्डिंग होगी। ये भी आपने 15-15 रेपिटेशन दोनों तरफ से कर लेने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मैट के ऊपर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेड के ऊपर कर सकते हैं, फ्लोर के ऊपर कर सकते हैं। चेस्ट के लिए
चेस्ट प्रेस, इसके भी आप 15 रेपिटेशन करिए कम से कम। तो चेस्ट के लिए मैंने ब्रिक्स का वर्कआउट बना रखा है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर मैं लास्ट में प्लेलिस्ट डाल दूँगा मैं, और नई वीडियोस भी बना दूँगा। वन बॉडी पार्ट के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, डंबल ब्रिक्स के साथ या फिर पानी की बोतल के साथ। हर एक सेट लगाने के बाद आपने ऐसे मूवमेंट करनी है। तो अगला सेट करना है ऐसे ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल फ्लाई, आप घर पे कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को, छत पे कर सकते हैं, पार्क में जाके कर सकते हैं, बस आपके मन में करने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत ही आसान सा वर्कआउट है, 10 मिनट में आपकी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आपको फील भी होगा दूसरे दिन के आपने वर्कआउट किया है, एक्सरसाइज की है। ऐसे ही आपने डंबल रखने के बाद, ब्रिक्स रखने के बाद बॉडी मूव करनी है। नेक्स्ट सेट करेंगे इनवर्ट फ्लाई, मतलब कि जो एल्बोज हैं वो नीचे को है, एंड जो ग्रिप है हाथों की उस अकॉर्डिंग आपने पकड़ने अब डंबल। इसके भी आपने 15 रेपिटेशंस करने हैं, तो बाद में आपने खड़े हो जाना है। रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आ गई आपकी शोल्डर के लिए वर्कआउट। स्टैंडिंग कर सकते हैं आप, मैट पर बैठ के भी कर सकते हैं। इसके भी आपने 15 से लेकर 20 तक रेपिटेशन करने हैं। ये वाला वर्कआउट हाउसवाइफ्स के लिए, जो लोग जिम नहीं जा पाते, बिगनर्स हैं, होस्टलर हैं, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। सिंपल एक्सरसाइज, पानी की बोतलों के साथ करो, कीटो के साथ कर लो, अगर डंबल है तो डंबल के साथ कर लो। अभी करेंगे साइड लेटरल रेज। अगर थोड़े ओल्ड एज लोग जो होते हैं तो वो बिना वेट पकड़े भी कर सकते हैं सेम एक्सरसाइजेस, तो उनके लिए भी इफेक्टिव है। ऐसे ही आपने 2 एक्सरसाइज कर ली शोल्डर्स के लिए, बॉडी मूव करते रहना है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, आपकी पूरी बॉडी का जोर लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वर्कआउट किया है। इसके बाद हम करेंगे बाइसेप के लिए एक्सरसाइज 1x1, अल्टरनेटिव डंबल कर्ल्स फॉर बाइसेप्स। इसके भी आपने 10-15 रेपिटेशन करने हैं, 12 कर लो, 15 कर लो, मतलब कि अगर आपके पास देखो टाइम है ज़्यादा तो फेल्योर तक कर लो, और 3-3 सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट है तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे साथ साथ करो, वीडियो पॉज करके आप रेस्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरह आप कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव बाइसेप कर्ल विद डंबल एंड हैमर कर्ल्स। ये है हैमर कर्ल। हैमर कर लो। इन एक्सरसाइज के साथ आपने पूरी डाइट का भी ध्यान रखना है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप्स के लिए वर्कआउट,
ये एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को टोन करेगी, एक्टिव रखेगी, आपके जॉइंट्स एंड मसल्स को भी एक्टिव रखेंगी, ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी जाएगा, आपकी सुस्ती गायब हो जाएगी। अच्छी खुराक खाएं, साथ में एक्सरसाइज करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही क्रूशियल होती है अगर आपने तंदुरुस्त रहना है। आजकल क्या है कि टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, बहुत सारे लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते, तो उन लोगों के लिए 10 मिनट में ऑल ओवर बॉडी का वर्कआउट है जी, तो आप इस वर्कआउट को कर सकते हैं। घर पे कर लो, हॉस्टल पे हॉस्टल पे कर लो, ग्राउंड में हो, पार्क में हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। ये ट्राइसेप की बैक के लिए एक्सरसाइज, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, खड़े हो कर लो, बैंड हो कर लो, दोनों तरफ से आपने कर लेनी है। तो हो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट भी करना। साथ में मैं ये प्लेलिस्ट दे रहा हूँ होम वर्कआउट की, आप सब दोस्तों के लिए ये देख सकते हैं एंड इनमें से भी आप एक्सरसाइजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।